की सबसे बड़ी खबर, वानखेड़े में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए श्रीलंका को हरा दिया है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से मात दे दी है। श्रीलंका 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में 55 रन ही बना पाई, 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, 55 रन पर ऑल आउट हो गए। शमी ने 18 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, सिराज को 3 विकेट मिले। इससे पहले भारत ने गिल, विराट और अय्यर की तूफानी पारियों की बदौलत 357 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। भारत पॉइंट टेबल्स में टॉप पर पहले भी था, अब भी है और सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया है। अब ये श्रीलंका की ये जो बड़ी करारी हार है, ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि आखिरी मैच एशिया कप का फाइनल्स, उसमें भी 10 विकेट से हराया था श्रीलंका को और आज ये माना जा रहा था कि उस शर्मनाक और करारी हार का बदला क्या श्रीलंका लेगी, तो आसपास भी नहीं पहुंच पाई और करारी हार का सामना एक बार फिर किया। तो भारत एक बार फिर टॉप पर अपनी पोजीशन को मजबूत करते हुए सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है। जीत का सत्ता वानखेड़े में भारत के लिए है।